रीढ़ की हड्डियों में ये दब जाना बड़ा ही कॉमन रहता है। रीढ़ की हड्डियां अगर देखा जाए तो एक के ऊपर एक ईंट जैसे रहती है, अगर चोट लग गया, खास करके ओल्ड एज में कितना बार ऐसा भी होता है कि हड्डियां इतनी कमजोर रहती है कि शरीर के वजन से भी दब जाती है, लेकिन चोट लगने से भी दब जाती है। जैसे आप देखेंगे ये L5, L4, L3, L2, L1 वर्टिब्रा अगर ऊपर का और नीचे का ईंट देखेंगे और बीच में का ये हड्डी देखेंगे थोड़ा दब गया, पिचक गया, और ये पिचक जाने से क्या है कि कष्ट भी बढ़ जाता है, एक तरह से ये भी फ्रैक्चर ही है, टूट गया। लेकिन मजबूत चीज जब टूटता है तो अलग हो जाता है, और कमजोर चीज जब टूटेगा तो दिक्कत होती है कि वो धंस जाता है, एक के अंदर एक घुस जाता। और कहीं भी कोई चीज टूटा तो कुदरती एक ही इलाज रहता है कि उसको आराम मिले, रेस्ट रखना पड़ता है, कम से कम एक महीना तो बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट में रहना पड़ता है, और साथ में बेल्ट भी बांधना है, दो ही चीज के लिए उठना है, एक खाने के लिए, एक बाथरूम के लिए, सोए ही रहना है, चीते सोना है, कभी एक करवट चीते दूसरा करवट, करवट बदल बदल के सोना है, ऐसे मरीजों में ध्यान देना पड़ता है। अदरवाइज एक ही दर पे सोए सोए कितना बार लोगों को बेड सोर हो जाता है, जो आप पीठ पे देखेंगे घाव हो जाता है, तो इससे बचने के लिए उसको पोजीशन चेंज करते रहना बहुत जरूरी रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में दर्द की दवाइयाँ, कैल्शियम की दवाइयाँ, और अगर हड्डियाँ कमजोर है तो ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी मजबूत होने की भी दवाइयाँ लिखते हैं, लेकिन खास करके ओल्ड एज में तो कितना भी दवाई ले, कितना भी ध्यान रखे, हड्डी पहले जैसा तो नहीं होता, लेकिन हड्डी मजबूती की दवाइयाँ लेने से थोड़ा आराम जरूर मिलता है। तो ये सब ध्यान रखने से एक डेढ़ महीना दो महीना में मरीज चलने फिरने लायक हो जाता है। एक कॉम्प्लिकेशन भी होता है इसमें, अगर ध्यान ना रखें और भी दब जाए तो, क्योंकि रीढ़ की हड्डियों से ही दिमाग से नस होते हुए रीढ़ की हड्डियों से ही पैर में आता है, और दब जाता है तो कितना बार पैर कमजोर हो जाता है, ताकत नहीं मिलने से पैर कमजोर भी हो जाता है, झिनझिनाने भी लगता है, और कितना बार तो पैखाना पेशाब भी रुक जाता है। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब रीढ़ की हड्डियाँ दबती है। और ये आप उन तमाम लोग जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके पास ये ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अगर ये ध्यान नहीं रखते, कितना बार हम लोग बताते हैं कि रेस्ट रखिए, लेकिन वो रेस्ट नहीं रखते तो ये बाद में लॉन्ग टर्म के लिए तकलीफ हो जाती है, और तकलीफ ही नहीं कितना बार कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है कि पैर काम नहीं कर रहा, पालिश मार दिया, पैखाना पेशाब समझ में ही नहीं आ रहा है, कपड़े में ही पैखाना पेशाब हो जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जो भी आप जिनको भी ओल्ड एज के लोगों को आप जानते हैं वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू।